Hello everyone. So welcome to the another session of video lectures for UPPSC LT grade teacher recruitment. So agar aapko ye video acha lage, if you like the video, then please share and subscribe to our channel on YouTube. So there are two channels, which is youtube.com/gatelectures and second one is youtube.com/UGCNETCSE. देखिए पिछले वीडियो के अंदर हमने नंबर सिस्टम के कुछ सिंपल क्वेश्चंस को डिस्कस किया था. इस वीडियो में हम बुलियन अलजेब्रा के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. अब जो बुलियन अलजेब्रा से क्वेश्चंस आते हैं, दे आर रिलेटिवली वेरी सिंपल. तो मैंने क्या किया है, आई हैव टेकन ओनली 5 क्वेश्चंस फ्रॉम बुलियन अलजेब्रा, जिसके अंदर आपके लगभग ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे. और ज्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे हमारे पास एंड गेट और गेट या उनके कॉम्बिनेशंस के लिए, वो हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट में डिस्कस करेंगे. लेकिन बुलियन अलजेब्रा में आई हैव टेकन द क्वेश्चंस जो कि सिर्फ बुलियन अलजेब्रा यानी कि अलजेब्रिक क्वेश्चंस हैं, और उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे. गेट्स के बारे में हम यहां पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा के मैप. सो इस समय पर हम बुलियन अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो ये हमारे कोर्सेज हैं. एज यू कैन सी देयर आर वेरियस कोर्सेज वी हैव, व्हिच इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, यूजीसी नेट, गेट, प्लेसमेंट प्रिपरेशन. And all these courses. Now, if you like our courses, then you can just you can take the full complete lectures, because the lectures on YouTube are mostly are demo lectures. They are not the complete lectures. अगर आपको हमारे courses पसंद हैं, तो आप हमें इस number पर call या WhatsApp कर सकते हैं, which is 9821876104. Or instead of 04, you can also use 02. Or आप हमें contact number हमें email कर सकते हैं admin@gatelectures.com. हम आपको call back करेंगे. देखिए पहला question हम देखते हैं. The first question है, the sum of product expansion for the function. तो function हमें पास इस तरीके से given है और हमें इसको sum of product expansion देना है. देखो हमारे पास दो तरह की expansion होती है. Number one, एक होती है हमारे पास product of some expansion and second is sum of product expansion. Okay, product of some expansions की general form कैसे होती है, जैसे कि हमारे पास x plus y dot y plus z and so on. इस तरीके से जो expansion होती है जहाँ पर हमारे पास products होता है sum terms का, that is called as product of some expansion. लेकिन जब sum of product expansion की बात करते हैं, तो expansion हमारे पास इस तरीके से होती है, xy plus yz plus something and so on, because यहाँ पर these are the product terms, और इन product terms का हम यहाँ पर sum ले रहे हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमें expression यहाँ पर जो हमें given है, इस expression में आप check कर सकते हैं, this is product of sum, because यहाँ पर ये product है और ये हमारे पास sum expression है, और ये product of sum expression है. तो हम इसको हम sum of product expression में convert करना है. देखिए expression क्या है हमारे पास, f of x comma y comma z is equal to x plus y dot z complement. ठीक है, अब इसे property लगाते हैं हम लोग. सबसे पहले जो property है, that is distributivity property. तो distributivity property क्या कहेगी, we can do x dot z complement plus y dot z complement. तो ये हमारे पास distributivity property यहाँ पर लग गई है. अब देखिए इस terms में जब यहाँ पर जितने भी हमें options दिए हुए हैं, हर एक term के अंदर हमारे पास तीनों वेरिएबल्स हैं, विच इज एक्स वाई एंड जेड. हमारे पास तीनों के तीनों वेरिएबल्स हैं. तो अगर हमारे पास तीनों वेरिएबल्स हैं, तो ये तीनों वेरिएबल्स हम यहाँ पर कैसे लेकर आएंगे, हमें उस जो मिसिंग वेरिएबल है उसको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा. किस प्रॉपर्टी के थ्रू, अगर हम लोग एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं दैट इज इक्वल टू वन, और एक्स डॉट वन करते हैं दैट इज इक्वल टू एक्स ओनली. तो ये जो प्रॉपर्टी है, इन दोनों प्रॉपर्टी के कॉम्बिनेशन से हम यहाँ पर इनमें जो मिसिंग वेरिएबल है उसको लेकर आ सकते हैं. तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगी, एक कैनोनिकल फॉर्म. तो इसमें हमारे पास वाई नहीं है, तो वी कैन डू एक्स डॉट जेड कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई डॉट जेड कॉम्प्लीमेंट एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट. तो इस एक्सप्रेशन क्या बनेगी, एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज हमने इस टर्म को पहले इसके साथ प्रोडक्ट किया, फिर इस टर्म को इसके साथ प्रोडक्ट किया. और यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, y dot z complement x plus y dot z complement x complement. ठीक है, तो बस एक्सप्रेशन क्या बनी, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज x y z complement, सेकंड क्या बनी x y complement z complement, थर्ड क्या बनी y z complement x. अब देखिए यहां पर जब हमारे पास y z complement x है, और यहां पर भी जब हमारे पास y y x y z कॉम्प्लीमेंट है, तो ये जो दोनों टर्म है ये एक ही टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, जो दो अलग अलग टर्म्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, बिकॉज अगर हम लोग x प्लस x करते हैं दैट इज इक्वल टू x ओनली. तो ये दो अलग अलग टर्म्स नहीं है, ये सिर्फ एक ही टर्म है, तो हम दोनों से एक टर्म को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, प्लस y x कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट. तो सिंपल अगर आप इसको लिखेंगे इन दोनों टर्म्स को एलिमिनेट करने के बाद, तो एक्सप्रेशन बनेगी हमारे पास x y z कॉम्प्लीमेंट प्लस
x y complement z complement plus x complement y z complement. अब देख लेते हैं ऑप्शन में से कहां पर ये मैच कर रहा है. सबसे पहले हमारे पास टर्म है x complement y complement. क्या यहां पर कहीं पर भी x complement y complement है? नहीं. तो पहला जो ऑप्शन है ये हमारे पास रॉन्ग होगा. सेकंड ऑप्शन x y z, तो यहां पर किसी के पास भी x y z है? नहीं. तो ये भी हमारे पास ऑप्शन है, ये रॉन्ग है. थर्ड ऑप्शन x y complement z complement, यस ये हमारे पास टर्म है. दूसरा x complement y complement z complement, तीनों चीजें कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में यहां पर हमारे पास नहीं है, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन होगा रॉन्ग. तो चौथा ऑप्शन है वो क्या बोलता है, x y z complement, ये रहा हमारे पास x y z complement. सेकंड x y complement z complement, यस ये रहा हमारे पास x y complement z complement. थर्ड x complement y z complement, तो ये हमारे पास x complement y z complement. तो जो तीनों ऑप्शंस हैं ये हमारे पास डायरेक्टली मैच हो रहे हैं. तो इसकी जो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है वो है ऑप्शन नंबर डी, एज यू कैन चेक. ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. तो क्वेश्चन क्या बोलता है, द ड्यूअल ऑफ अ बूलियन एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग. देखिए ड्यूअल ऑफ एक्सप्रेशन होता क्या है, जनरली अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है, जैसे कि एक्सप्रेशन है मेरे पास x y z, इसके अंदर कुछ भी कॉम्बिनेशन है, अस्यूम x y plus y z plus z x, ओके अगर हमें इसकी ड्यूअल फॉर्म निकालनी है, ड्यूअल फॉर्म, ओके तो ड्यूअल फॉर्म में करते क्या है, जो हमारे पास प्लस है यानी कि जो हमारे पास बुलियन सम है, हम उसको इंटरचेंज कर देंगे डॉट से. जो हमारे पास बुलियन डॉट है उसको इंटरचेंज कर देंगे हम लोग सम से. और कहीं पर भी अगर हमारे पास जीरो है तो जीरो को इंटरचेंज कर देंगे हम लोग वन से, और कहीं पर हमारे पास वन है तो उसको वन को इंटरचेंज कर देंगे जीरो से. एक तरीके से इसको ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन है वो हमारे पास इन कॉम्पोनेंट से बनी होगी, एक्स वाई जेड यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल है, प्लस इसके अलावा हमारे पास हर एक एक्सप्रेशन में एक प्लस ऑपरेटर होगा, एक डॉट ऑपरेटर होगा, एक जीरो होगा और एक वन होगा. तो जब भी हम इसकी ड्यूअल फॉर्म निकालेंगे तो ड्यूअल फॉर्म के अंदर ये एक्स वाई जेड जहां पर भी है ये चेंज नहीं होंगे, जैसे कि एक्स वाई जेड ये चेंज नहीं होंगे. सिर्फ चेंज क्या होगा, प्लस की जगह पर हम डॉट लगाएंगे और डॉट की जगह पर हम लोग प्लस लगाएंगे, जीरो की जगह पर हम लोग वन लगाएंगे और वन की जगह पर हम लोग जीरो लगाएंगे. तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन की ड्यूअल फॉर्म लेता हूं तो इस एक्सप्रेशन की ड्यूअल फॉर्म क्या होगी, दैट विल बी एक्स प्लस वाई डॉट वाई प्लस जेड डॉट एक्स प्लस z. So this is the dual form of this expression. तो पहला option क्या बोलता है, boolean sums and boolean products. तो इसके अंदर boolean sums हम लोग करते हैं, boolean products हम लोग करते हैं, लेकिन हम zero और one को भी करते हैं. तो इसमें एक complete information given नहीं है. तो option number A हमारा गलत होगा. Option number B में आप देखिए, देखिए हमारे पास boolean sum and boolean product or interchange zeros and one. तो यहाँ पर ये जो word है or, तो or word की वजह से गलत है. अगर यहाँ पर or की जगह पर and होता तभी हमारे पास correct होता, otherwise ये wrong है. Option number C, boolean sums and boolean products and interchange zeros and one. This is correct because हम लोग sum और product को change करेंगे और zeros और one को भी change करेंगे. और option number D है interchange zeros and one. यहाँ पर boolean sum और product की बात नहीं की गई है. That is why this is wrong. तो इस पूरे question का जो option number C है, that is the correct option. Next question देख लेते हैं. Which of the following logic expression is incorrect? इनमें से कौन सी logic expression जो है वो incorrect है? ठीक है, अब यहाँ पर जो गेट हमने यूज किया है वो है हमारे पास XOR गेट. तो पहले XOR गेट की प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं. ये हमारे पास एज्यूम X है, ये Y है और ये X XOR Y है. तो कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, 00, 01, 10 और 11. पहला है हमारे पास 00. तो अगर हम 00 का XOR करते हैं तो हमारे पास 0 आता है. उसी तरीके से 1 और 1 का XOR करते हैं तो हमारे पास 0 आता है. लेकिन 01 का XOR 1 आता है और 1 और 0 का XOR हमारे पास 1 आता है. यानी कि जो दोनों है ये दोनों अलग अलग होने चाहिए. ठीक है, दोनों की वैल्यूज डिफरेंट होनी चाहिए. तो पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वह 1 XOR 0 इज इक्वल टू 1. दिस इज परफेक्टली करेक्ट. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में अगर आप चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर 2 थोड़ा सा हमारे पास इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है 1 XOR 1 XOR 1. ठीक है, अब XOR के केस में क्या है कि XOR इज अब इसको कम्यूटेटिव कह सकते हैं और एसोसिएटिव भी है. अब देखिए यहां पर क्या होगा कि अगर सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करें 1 XOR 1 तो हमारे पास आएगा 0 और उसका जो रिजल्ट आएगा वो यहां पर आएगा XOR 1 के साथ. तो पूरी एक्सप्रेशन में इसके दो पार्ट है, दो XOR गेट है. तो हम पहले हमने अगर इस XOR गेट को सॉल्व किया तो हमारे पास 0 आया, उसके साथ हमने 1 के साथ XOR किया उसको तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी 1. तो इसका आउटपुट आएगा 1 विच इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, अगर आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते हैं यानी कि इस XOR को सॉल्व करने की जगह पर अगर आप पहले इस XOR को भी सॉल्व करेंगे तब भी आपके पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1.
ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में आप चेक कीजिए, थर्ड ऑप्शन में क्या है हमारे पास, वन एक्सोर जीरो इज इक्वल टू वन। अब ध्यान दीजिए, अगर आप पहले इसको पहले सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा जीरो एक्सोर जीरो, और जीरो एक्सोर जीरो को करने के बाद अब यहां पर देखिए, अगर हम जीरो एक्सोर जीरो करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है हमारे पास जीरो। तो जीरो एक्सोर जीरो एक्सोर का रिजल्ट भी जीरो है, लेकिन यहां पर जो रिजल्ट गिवन है वो हमारे पास वन है, विच इज नॉट मैचिंग, देयरफॉर दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर फोर। इन ऑप्शन नंबर फोर आप चेक कर सकते हैं, वन एक्सोर वन इज ऑल्सो जीरो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन है वो इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट केस में यहां पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थ्री, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ अ बुलियन एक्सप्रेशन दिस इज। तो हमें इस बुलियन एक्सप्रेशन की सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको बतानी है, तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें बतानी है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी, हमारे पास है ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए सी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हम लोग इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो पहली हमारे पास टर्म है, पहली जो हमारे पास ये दोनों टर्म्स हैं, इस दोनों टर्म्स में से हम ए बी कॉम्प्लीमेंट को कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट, और अंदर क्या बचा, वन प्लस सी प्लस ए सी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब वन प्लस सी क्या होता है, वन प्लस सी इज इक्वल टू वन, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अब सिंपल आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, यानी कि इसको ओपन कर लीजिए ब्रैकेट्स को, तो हमारे पास क्या आएगा, जो एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगी दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, ए बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पहले आपने इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आपने इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, प्लस ए सी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, प्लस आपने इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, प्लस आप इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमारे पास आएगा ए सी बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जहां पर हमारे पास ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि जब भी हम ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट हमारे पास जीरो आता है, तो इस ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट की वजह से पूरी एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इस वाले एक्सप्रेशन क्या बचा हमारे पास, ए बी कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज बी बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट ही होता है। ठीक है, थर्ड एक्सप्रेशन में हमारे पास ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट या फिर सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट की वजह से थर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास कंप्लीट जीरो हो जाएगी। और फोर्थ एक्सप्रेशन क्या हमारे पास, ए सी बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो ही चीजें बची हैं यहाँ पर, वो है ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी बी कॉम्प्लीमेंट। इस पूरी एक्सप्रेशन में से आप ए बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन लेंगे तो आपके पास अंदर बचेगा वन प्लस सी विच इज इक्वल टू वन, तो हमारे पास जो पूरी एक्सप्रेशन वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम ए बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरी एक्सप्रेशन में इन सभी ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर वन मैच कर रहा है जहां पर ए बी कॉम्प्लीमेंट है, और बाकी ऑप्शंस हमारे पास मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। नाउ लेट अस चेक आउट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। दे आर सेइंग द बुलियन ऑपरेटर। तो इन्होंने एक नया ऑपरेटर हमें दिया है, लेकिन हमें इस न्यू ऑपरेटर की डेफिनेशन इस समय पर अभी नहीं पता है। तो दे आर सेइंग दिस बुलियन ऑपरेटर इज डिफाइंड एज फॉलोज। कैसे डिफाइंड है हमारे पास, वन दिस ऑपरेटर वन इज इक्वल टू वन, ठीक है, वन विद दिस ऑपरेटर जीरो इज इक्वल टू जीरो, एंड जीरो विद दिस ऑपरेटर वन इज इक्वल टू जीरो, एंड जीरो दिस ऑपरेटर जीरो इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं, इवन तो इन्होंने एक नया ऑपरेटर डिफाइन किया है, लेकिन इस न्यू ऑपरेटर के केस में भी ये जो न्यू ऑपरेटर है ये हमारे एक्स नॉर गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स नॉर गेट को। क्यों, क्योंकि वन डॉट वन इज वन, एक्स नॉर वन इज वन, जीरो एक्स नॉर जीरो इज वन, अदरवाइज दीज वैल्यूज आर जीरो। ठीक है, तो ये एक्सोर गेट का ऑपोजिट होता है, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सोर गेट। अब दे आर आस्किंग व्हाट विल बी द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी। तो हमारे पास वैल्यू एक्सप्रेशन क्या है, एक्स x nor y x nor z which is equal to x x nor y x nor z। अब ध्यान दीजिए, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर सिंपल सिर्फ वो ये पूछना चाहता है, क्या जो x nor गेट है वो एसोसिएटिव है या नहीं, क्या x nor गेट एसोसिएटिव है या नहीं, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को ही पूछ रहा है। दे आर नॉट आस्किंग एनीथिंग स्पेशल। क्या ये हमेशा एसोसिएटिव रहेगा,
आप इसके लिए ट्रूथ वैल्यू बना सकते हैं, ट्रूथ टेबल बना सकते हैं, आप इसको ट्रूथ टेबल से चेक कर सकते हैं क्या हमारा XNOR गेट एसोसिएटिव है या नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके देखिए और मुझे बताइए कि क्या XNOR गेट एसोसिएटिव है या नहीं, अगर आपको ये बात नहीं पता है। तो यहाँ का आंसर क्या रहेगा, इट इज ऑलवेज ट्रू बिकॉज XNOR इज बोथ एसोसिएटिव, इट इज बोथ एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव, सो इट इज बोथ एसोसिएटिव एज वेल एज कॉम्यूटेटिव, देयरफॉर इट इज ऑलवेज ट्रू बिकॉज XNOR इज एसोसिएटिव एज वेल एज कॉम्यूटेटिव। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विच इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो ये हमने 5 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं, तो बेसिक अल्जेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन हैं ताकि आप इसको समझ सके, लेकिन अब जो हम इसके जो एप्लीकेशन है बुलियन अल्जेब्रा की वो हम के मैप्स के अंदर देखेंगे और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की तरफ देखेंगे, क्योंकि बुलियन एक्सप्रेशन एक स्मॉल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हम लोगों ने अभी चेक किया, लेकिन अभी इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम के मैप्स में देखेंगे, वहां पर भी हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन को यूज करें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जो आपका यूपीपीएससी एग्जामिनेशन है उसके अंदर ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, यूपीपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे दे विल बी कंपैरेटिवली इजी। तो आप इसको दो कोर्सेज जो हमारे पास ऑलरेडी है, एक कोर्स है हमारे पास DRDO एग्जामिनेशन का जो KVS PGT और TGT टीचर्स वाला है और दूसरा UGC ने। अगर आपको और काफी स्टूडेंट से क्वेश्चन में से पिछली बार पूछा था कि क्या सर हम DRDO के जो आपने वीडियोस बनाए हुए हैं, जो क्वेश्चंस आपने DRDO में कवर किए हैं, क्या हम वही क्वेश्चंस को UPPSC एग्जामिनेशन के लिए कवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसका सिंपल सा आंसर है यस, बिकॉज UPPSC जो LT ग्रेड टीचर है वो भी हमारे पास PGT और TGT एंट्रीज के लिए है, और जो KVS के अंदर या DRDO के अंदर है वो भी हमारे पास PGT और TGT एंट्रीज के लिए है। तो ऑल ओवर द इंडिया जो भी एग्जामिनेशन होगा, जो PGT या TGT ग्रेड की एंट्री के लिए होगा, उसके अंदर जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो एग्जैक्टली सेम ही आएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑलरेडी हमने वीडियोस अपलोड किए हैं आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, और बाकी मैं नए वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। अब इसका जो अगला वीडियो है हम लोग उसके अंदर के मैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।